प्रतिशत भक्त लोग हर दिन आते हैं। वो मंदिर ही अब अपना एक सेवा भाव में प्रसिद्ध है, निस्वार्थ लोग सेवा करते हैं। ऐसे संत गजानन जी के इस प्रकट उत्सव में मेरा आना हर साल होता है, मेरा सौभाग्य है। आप इसकी भव्यता यहाँ आसपास देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, जब मालूम चल जाएगा। मेरे पीछे जो आप लंबी कतार देख रहे हैं, ये कतार है प्रसाद पाने के लिए। जी हाँ, हुड़को में खड़ी हूँ इस वक्त और गजानन महाराज जी के मंदिर में प्राकट महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर आज महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसाद देने के लिए हजारों लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं। महापौर नीरज पाल के साथ में MIC सदस्य और कई जो समाज से जुड़े लोग हैं वो सब प्रसाद बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर परिसर है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई पद में कोई बड़ा नहीं होता है, सब यहाँ पर बाबा के भक्त हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है जो श्रद्धा है लोगों की यहाँ पे एकदम अलग होती है। और ये आयोजन हमारे भिलाई में 60 वर्षों से हो रहा है। भिलाई के बनने के साथ साथ में महाराष्ट्र समाज के लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद गजानन महाराज जी के यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना के साथ लगातार जो कार्यक्रम है वो हर साल होता है और जो भव्यता है वो हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो भीड़ है, कतार है, भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पे वो कैसी है। और इसको लेकर के यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो आज से 60 साल पहले हुई थी, हालांकि सेक्टर 6 में पहले छोटे सा आयोजन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर भिलाई के हुड़को में एक बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर परिसर है कि जहाँ पर जो इस तरीके के आयोजन के लिए एक बड़ा स्थान भी यहाँ पर निश्चित हो चुका है, मंदिर को मिल चुका है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोजन है, तो आयोजन समिति से भी जानते हैं कि आयोजन की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या दिक्कतें थी पहले और अब कैसा उनका जो कार्यक्रम है लगातार भव्य होता जा रहा है। इसका शुरुआत हुआ 78 से। पहले सेक्टर 6 में यहाँ आयोजन होता था, क्योंकि उस वक्त मंदिर वगैरह नहीं था, तो किराए से इस बार तरफ कालीबाड़ी यहाँ पे कार्यक्रम होता था। उसके बाद सब लोगों का बोलना पड़ा कि यहाँ पे मंदिर बना। वैसे भी यहाँ पे एक टेम्पररी बहुत छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पे यहाँ पे चालू किया तो बहुत प्रसिद्ध मिला। श्री गजानन महाराज ये सबके हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। गजानन महाराज शेगांव वाले बाबा करके सब लोग जानते हैं। तब से ये चालू हो गया और अभी बहुत प्रतिशत भक्त लोग हर दिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रकट दिन नहीं आते, हर दिन वहाँ पे आते हैं। गुरुवार का महाप्रसाद भी जो हर गुरुवार को महाप्रसाद रहता है और सब भक्त लोग आते हैं और पूजा पाठ है। वो देखिए कोमल जी, आपने गजानन शेगांव का मंदिर का नाम सुना है, जो काफी मतलब पूरे अपने इंडिया में बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ की जो सेवा भाव है, वो मंदिर ही अब अपना एक सेवा भाव में प्रसिद्ध है, निस्वार्थ लोग सेवा करते हैं। उस मंदिर के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा, वहाँ आनंद सागर एक उद्यान है, 300 एकड़ के क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। अगर आपको वहाँ, अगर या आपको मेरे को वहाँ सेवा देना है तो कम से कम हम लोग को 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े वहाँ उद्योगपति, वहाँ पे सेवा देने के लिए वो सोचते हैं कि हमको कब उसका अवसर प्रदान मिले। ठीक उसी का एक छोटा स्वरूप इस भिलाई शहर में आपको दिखता है। लगभग 60 वर्ष पूर्व, जैसा कि हमारे काका ने जी ने बताया है, 78 में इसकी शुरुआत हुई है। और चूंकि वहाँ हमारा स्वयं का एक भवन नहीं था, इसलिए इसका पूरा मंदिर हम एक, ये जो काका जी बुजुर्ग कापरे काका हैं, इन्होंने मानना पड़े इनके साथ जितने लोग जुड़े हैं सब इन्हीं के उम्र के हैं, थोड़ा फिर बाद में युवा लोग इनके साथ जुड़े, मगर ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन को कैसे सफल करना है, कैसे लोगों को आमंत्रित करना है, मैं निश्चित रूप से इनको साधुवाद दूंगा। आज के जिस इनकी उम्र आप देख रहे हैं, इस उम्र में इतना मतलब एनर्जेटिक ही नहीं, इतना काम को संभालना, इतने बड़े कार्यक्रम को संभालना और एक अच्छा स्वरूप देना, एक धार्मिक और एक लोगों को जोड़ना, सबसे बड़ी बात जो भिलाई लघु भारत का स्वरूप है, ये मिसे मनी मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब जाति, सब राज्य, सब प्रांत के लोग आते हैं और आपसी भाईचारा का एक बहुत अभूतपूर्व संदेश देता है ये आज का आयोजन। निश्चित रूप से मैं गजानन मंदिर के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं और इस पूरे श्रद्धालु गणों को ये चाहता हूं कि गजानन महाराज सबको उनको आशीर्वाद दें और अपने भिलाई को भी, इसकी भिलाई का और अच्छा कैसा इसकी भव्यता हो, इसका इस कार्यक्रम का कैसा आगे और अच्छा कर सकें, इसमें आप सबकी अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए मैं सबकी कामना करता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः सबको बधाई देते हुए
आपने मुझे बोलने का सभी उसके धन्यवाद। देखिए स्वामी गजानन जी की अद्भुत एक उनकी चमत्कारिक भी कहे, आध्यात्मिक भी कहे, धार्मिक भी कहे, अलग प्रकार के वो संत थे, फक्कड़ संत थे। कोई भी उनके पास जाता था उनको आशीर्वाद देते थे, अपने आप में मस्त, भगवान में लीन। ऐसे संत गजानन जी के इस प्रकट उत्सव में मेरा आना हर साल होता है, मेरा सौभाग्य है। और यहाँ जितने भी उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, श्रद्धालु जन हैं, खासकर महाराष्ट्र के हमारे भाई बहन, इनको बड़े ही आत्मीयता से और व्यवस्था से मनाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और उनके इस आयोजन में हम लोग जैसे भक्तगण को आने का अवसर मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। और आज अगर जो कुछ भी हूँ तो इन्हीं सब भक्तगणों के माध्यम से, स्वामी गजानन जी के आशीर्वाद से हूँ। और धीरे धीरे इनकी भव्यता और बढ़ रही है, भीड़ और बढ़ रहा है। और ऐसे ही ऐसे संतों के इस उत्सव में और श्रद्धालु जन आते रहे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस भिलाई को मिनी इंडिया भी मिनी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर प्रांत, देश के हर प्रांत, हर कोने से यहाँ पे परिवार के साथ लोग आकर बसे हुए हैं और इस भिलाई ने सबको समेट कर रखा है। और उस बीच में हमारे यहाँ संस्कृति के अलग अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग रूप दिखते हैं। यहाँ पर जो आज ये गजानन गुणगान समिति द्वारा ये आयोजन बहुत लंबे समय से हो रहा है, लगभग 60 सालों से आयोजन हो रहा है। पहले सेक्टर 6 में, जैसा मुझे जानकारी मिली कि पहले सेक्टर 6 में होता था, अब यहाँ हुड़को में हो रहा है। आप इसकी भव्यता यहाँ आसपास देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, जब मालूम चल जाएगा। लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी को यहाँ पे प्रसाद आज के दिन, प्रकट दिवस के दिन, भोग के रूप में, भंडारे के रूप में लोगों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। ये अपने आप में, और देखिए कितनी व्यवस्थित है, इतनी भीड़ होने के बाद भी जो ये समिति का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आप देखेंगे चारों तरफ घूम के, एकदम व्यवस्थित रूप से सारा पूजा भी चल रही है, भंडारा प्रसाद भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी जो है श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समिति को मैं साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इनकी इन प्रयास से जो ये लगातार कर रहे हैं, विशेषकर काका के जो जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन शायद इसमें दे दिया, मैं इनके प्रति इनको प्रणाम करते हुए समिति को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और गजानन जो गुणगान समिति है उसकी व्यवस्था बता दूं आपको कि जो बाहर लाइन में लगे हैं वो यंग जनरेशन के लोग हैं, और जो सीनियर सिटीजन है जो खड़े नहीं हो सकते उनके लिए अलग से हॉल में व्यवस्था की गई ताकि वो परेशान ना हो। हमारे साथ कुछ सीनियर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। आंटी कब से जुड़े हैं मंदिर से? ये हम लोग दूर रहते हैं पर हर साल 25 साल से हम लोग कंटिन्यूस इधर आते ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग कुरूद में, वहाँ पे एसीसी कर्मचारी कॉलोनी, वहाँ से हम लोग आते हैं। 25 साल हो गए, तो क्या अंतर देखते हो 25 साल में? यहाँ बहुत, अभी पहले तो भीड़ कम हुआ करती थी, अभी तो बहुत अच्छे से मंदिर भी बन गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है अभी यहाँ पे। आप कहाँ से आए? हम लोग दलित परिसर, हाउसिंग बोर्ड श्रीराम हाइट्स ना, वहाँ से आए। तो यहाँ पे कैसे सालों से, 35 साल से हम लोग भी जुड़े हुए, शादी हो के आए तब से हम लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, दर्शन लेते हैं, और खूब अच्छा है, जागरूक है, कार्यक्रम भी अच्छे अच्छे होते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए? दुर्ग से ही आए हैं, हाँ, विद्युत नगर करके है। आप कब से आ रहे हैं मंदिर? शुरू से आ रहे हैं, पहले से, 25-30 साल हो गया जब से। आप कहाँ से सर? मैं यही हुड़को से ही हूँ, और हुड़को महाराष्ट्र मंडल और गजानन गुणगान मंडल, इससे मेरा मतलब कई 60 से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, 60 से लेकर कम से कम पूरा 23 तक। तो मैं कुछ सेवा करता हूँ इनके माध्यम से मंदिर में, जवारा रस बनाता हूँ मैं। जवारा जो है मैं 22 साल से कर रहा हूँ, कैंसर पेशेंट फ्री में देता हूँ, 22 साल से मैं कर रहा हूँ। उसमें जवारा, आंवला, तुलसी, गिलोई, एलोवेरा, कच्ची हल्दी और पुदीना, इतना चीज का रस होता है। 3:30 बजे सुबह मंदिर में किस तरह की, मंदिर में जवारस बांटते हैं? जवारस मंदिर में पहले करता था, फिर कोरोना के समय में भीड़ बढ़ गई तो हमने घर में चालू किया, आज मेरे घर में चल रहा है। और उसमें ये कोरोना के समय बहुत काम आया, और आज भी इम्यूनिटी बूस्टर है ये, इसमें गेहूं का जवारा, आंवला, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा। देखिए सेवा करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जैसा सर यहाँ पर जवारा रस दे करके यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मंदिर में ऐसे कई तरह के काम भी होते हैं। कुछ एक और ग्रुप खड़ा है यहाँ पे अलग अलग जगह से, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सेक्टर 6। सेक्टर 6 तो हर साल आते हैं, हमेशा आते रहते हर साल आते। कितने साल से आ रहे हैं? हो गए 8-10 साल हो गए। तो कैसा यहाँ पे व्यवस्था रहता है? क्या अच्छी व्यवस्था। आप कहाँ से हैं? मैं कोका से आई हूँ। कोका से? हाँ।
यहाँ पर मंदिर में कितनी आस्था है आप लोगों की? बहुत आस्था तो बहुत है, इसीलिए हर साल आते हैं हम लोग। हाँ, आप कहाँ से? सेक्टर 6 से। जी जी, हम लोग साथ। और आप? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से? जी। आप लोग महाराष्ट्र समाज से? जी, महाराष्ट्र समाज से। जी, आप कहाँ से अंकल? कहाँ रहते हैं? गांधीनगर से। गांधीनगर? हाँ। दुर्ग? नहीं, ये कोसानाला। कोसानाला? कोसानगर। आपका कब से आते हैं मंदिर यहाँ? बहुत दिन से, 25-30 साल हो गया। अम्मा कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हम लोग? उधर रहते हैं, गांधीनगर। अच्छा अच्छा, गांधीनगर है। देखिए, मंदिर पर जिनकी आस्था है वो यहाँ पर बरसों से जुड़े हुए हैं, और जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी आस्था के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि बाबा जो है गजानन उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी करेंगे। और इसी आस्था के साथ यहाँ पे हजारों भक्त जो पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक आस्था का सलाम हम कह सकते हैं। तो भिलाई मिनी इंडिया में आप आज ये जो रंग देख रहे हैं वो गजानन मंदिर से है, और हुड़को में ये मंदिर है। तो कभी अगर मौका मिले भिलाई आने का तो दर्शन करने जरूर आइएगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।